माता बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा सच्चे दरबार की जय। दोस्तों इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा कि कटरा में रहने के अरेंजमेंट के बारे में। इस व्लॉग में हम बात करेंगे धारा 370 हटने के बाद क्या नए चेंज आए हैं, नया सिम कैसे लें कटरा में, यात्रा पर्ची ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे लें, और बाणगंगा चेक पोस्ट से यात्रा कैसे शुरू करें, और वहाँ पे अगर पौनी पाल की आपने लेनी है तो उसके क्या रेट्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इस सब के बारे में आपसे बात करूँगा। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखना। जय माता दी। दोस्तों अगर आप नया सिम लेना चाह रहे हो, दोस्तों कटरा बस स्टैंड से रेलवे रोड की तरफ 50 कदम चलने पे आपको एक सरस्वती मेटल शॉप मिलेगी। उसी के बगल वाली शॉप में आपको नया सिम मिल जाएगा। आपको केवल 300 रुपीज़ पे करना होगा, साथ में अपना वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, और 10 मिनट के अंदर आपको नया सिम मिल जाएगा। और नेट कनेक्टिविटी आपको जम्मू कश्मीर में नहीं है धारा 370 हटने के बाद, तो आपको किसी भी तरीके की नेट एक्सेस नहीं मिलेगी, इवन दो आपके पास पोस्ट पेड है तो भी, और वहाँ का सिम है तो भी, तो नेट की कनेक्टिविटी तो आप भूल ही जाओ। आपका अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर के हो, जम्मू कश्मीर में अपना पोस्ट पेड नंबर तो आपका चल जाएगा बट प्रीपेड नंबर नहीं चलेगा। यात्रा पर्ची ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे लें, दोस्तों ऑनलाइन यात्रा पर्ची के लिए आप माता वैष्णो देवी की साइट पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद जो यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप यात्रा पर्ची पे क्लिक करिए। यात्रा पर्ची पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट और अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए, और अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद जब जिस डेट में अवेलेबल है और उस डेट में आप बुक करना चाहते हो तो आप आराम से जाके उस पर आप बुक करके अपनी यात्रा पर्ची जनरेट कर लीजिए। एक दिन में 5000 ही यात्रा पर्ची ऑनलाइन जनरेट होती है, अगर वो फुल हो चुका है तो आपको फिर ऑफलाइन ही जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। दोस्तों ऑनलाइन यात्रा पर्ची कैसे निकलती है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसलिए आइए चलते आपको दिखाते हैं काउंटर पे यात्रा पर्ची कैसे निकलती है। ये सामने मेरे सामने ये देखिए यात्रा पर्ची काउंटर है, चलिए यात्रा पर्ची लेके आते हैं। दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश है नहीं, और मैं जा रहा हूँ यात्रा पर्ची लेने, और ये निशुल्क है। काउंटर पे यात्रा पर्ची में आपको अपना नाम, जगह का नाम और एक फोटो खिंचवाना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपको यात्रा पर्ची दे देगा। दोस्तों ये है यात्रा पर्ची, इस तरीके से यात्रा पर्ची आपको निकलेगी, एक फोटो खींचेगा आपका, और ये 6 घंटे के लिए वैलिड होगी। तो यहाँ से आपको बाणगंगा चेक पोस्ट 6 घंटे में पहुँचना होगा, ये आपकी यात्रा पर्ची है। और मैं ये चल रहा हूँ बाहर। दोस्तों यात्रा पर्ची लेने के लिए एक बार आपको यहाँ से यात्रा बाणगंगा चेक पोस्ट जाना होगा, या फिर आप नए वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, वहां पहुंचने के लिए आप यहां से ऑटो भी ले सकते हैं। आइए दिखाते कितने पैसे चार्ज करेगा ऑटो। हाँ शेयरिंग में भैया सवारी नहीं है। अच्छा भैया शेयरिंग में कितना चार्ज करते हो? शेयरिंग में फिर सवारी के ऐसे 5 और फिर 30 रुपए सवारी लेते हैं। अच्छा ठीक, चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। लाठी ले लें तो बहुत हेल्प होती है, जैसे लग रहा है आपको कोई बंदा सपोर्ट करेगा। लाठी बड़ी काम की चीज है, डंडा 20 रुपए मिलेगा।
देंगे, लाठी लेके जा रहे हैं। जय माता दी। वारा चेक पोस्ट के सामने बना हुआ अनाउंसमेंट सेंटर। दोस्तों ये है बाणगंगा चेक पोस्ट, यहीं से आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू होगी। बाणगंगा चेक पोस्ट से हम अंदर चलेंगे, यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी। पंच होती है ना ऊपर, और कहाँ पे पंच होगी? सॉरी भैया, भवन पे। थैंक यू। ये यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची को पंच करा गया, इनके रिकॉर्ड में आ गया। 650 रूपये ये फिक्स रेट होता है आपका? फिक्स सर, ये पर्ची काट के मिलता है आपको आज कल। अच्छा, हाँ, जैसे ज्यादा पर्ची मिलता है ना, ऐसे ही घोड़े की पर्ची मिलेगी तो तब वो कटेगा। पर्ची का जो वहाँ कटेगी वो आप ही देते हो? कौन देता है? हमको देते हैं ना वापस, पर्ची की मिलेगी तो ऊपर चेक करेंगे ना, ऐसे क्या है यार। अर्धकुंवारी तक का है? हाँ। और पूरा भवन तक जाना हो तो भवन तक है 1250। कितना चार्ज करते हो इस रास्ते पे? आपको घोड़े में 340 रुपये फिक्स रहता है आपका? ठीक है, वही पूछ रहा हूँ। ये दोस्तों देखिए, नीचे लंगर चल रहा है, श्रद्धालु वहाँ बड़े प्यार से खा रहे हैं। ये देखिए लंगर। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुश्किल से 200 मीटर आप चलेंगे। एक है न्यू ताराकोटी मार्ग, ये पीछे लेफ्ट में, और ये जो राइट वाला जो रास्ता है ये देखिए, ये भी पुराना वाला रास्ता है। दोस्तों ये पुराना रास्ता है, इसमें थोड़ा चढ़ाई ज्यादा पड़ेगी, और ये जो है वो नया रास्ता है, ये काफी स्मूथ है, इसको बोलते हैं न्यू ताराकोटी मार्ग। ये रात में ये वाला रास्ता सेफ है ना? हाँ सेफ है, बाकी नहीं। वो कोई कह रहा था लगी हुई है, जंगली जानवर तो नहीं आते इधर से? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ अगर मैं उधर से बाजी पूरा लगा हुआ है, म्यूजिक बजरा लगातार, और ये वाला ये तो है ना चालू, ये तो एक चल रहा है, एक चल रहा है, ये नया रास्ता है, नया रास्ता पुराना रास्ता। अच्छा ये है नया वाला? अच्छा ये बस स्टैंड में कहाँ से शुरू हो जाता है? अगर मैं उधर से आना कोई आता है तो बस स्टैंड में कहाँ से? बस स्टैंड से गाड़ी में आना, उसको न्यू ताराकोट में छोड़ना वाला है। न्यू ताराकोट वहाँ से कितना? 2 मीटर, 2 किलोमीटर कितना है? नीचे से घुमा के लेता है हाईवे से, बंद में नहीं आने देते। अच्छा अच्छा, हाईवे पे आता है सीधा, फिर अच्छा 5 किलोमीटर घुमा के वहाँ पे ताराकोटी उतार देगा, वो एकदम सबसे सीधा वही पड़ेगा। भैया आप लोग पालकी का कितना चार्ज करते हो? 3150 एक साइड का। एक साइड का ऊपर भवन तक ले जाते हो 3150 में? और भाई सेम रेट वहाँ से वापस आने का होगा? वहाँ से सेम हैवी सवारी जो 100 किलो से आया है ना, हाँ हाँ हाँ, उसका 3900 रुपये, 3900 रुपये। बैरों से घूम के आना होगा तो पूरा 8000 रुपये। 8000 रुपये, अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो भी आपके साथीगण हैं आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। जय माता दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।